भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के कलवा इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें तीन बहनों ने मिलकर एक महिला को हंसने की वजह से पीट पीट कर मार डाला। आरोपी महिलाओं को शक था कि वह महिला उन्हें देखकर हंस रही थी। इसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। कलवा पुलिस ने आरोपी रेणुका बोंद्रे, अंजना रायपुरे और लक्ष्मी गाडगे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रेणुका मुक्ता कल से मृतका की भाभी भी रह चुकी है। पुलिस के अनुसार मुक्ता अपनी माँ और भाई सचिन के साथ कलवा के जयभीम नगर इलाके में रहती है। रेणुका का विवाह मुक्ता के भाई राहुल से हुआ था। 2 साल पहले राहुल की मौत हो गई। इसके बाद रेणुका ने उसी परिसर में रहने वाले दूसरे युवक से शादी कर ली। तब से रेणुका मुक्ति के परिवार से संपर्क खत्म हो गया था। मुक्ता की शादीशुदा बहन दिवाली पर मायके आई थी। 23 नवंबर को मुक्ता अपनी बहन के साथ मोहल्ले में पानी पूरी खा रही थी। मुक्ता और उसकी बहन आपस में ही बातचीत कर हंसने लगे। तभी उसी समय रेणुका वहां से गुजर रही थी। रेणुका को लगा कि मुक्ता और उसकी बहन उसे देखकर हंस रही हैं। इसी बात पर उनका विवाद हो गया। मृतका ने रेणुका को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और रेणुका ने मुक्ता को जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन सुबह जब मुक्ता पब्लिक टॉयलेट में गई थी, उसी समय रेणुका अपनी बहन अंजना और लक्ष्मी के साथ वहां पहुंची। तीनों ने मुक्ता को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इस बात की खबर मुक्ता की माँ को लगी तो वो भी वहाँ पहुँची। माँ ने बेटी की पिटाई नहीं करने को लेकर तीनों से विनती करती रही, लेकिन उन्होंने माँ को भी पीट दिया। लक्ष्मी ने मुक्ता के बाल पकड़कर सिर जमीन पर दे मारा। गंभीर जख्मी मुक्ता ने पुलिस से संपर्क किया। कलवा पुलिस ने तीनों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। जख्मी हालात में मुक्ता को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अब मारपीट को हत्या के मामले में तब्दील कर दिया है।